नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। राजस्थान विधानसभा चुनाव अब बेहद नज़दीक आ गए हैं। 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, 3 दिसंबर को इनके नतीजों की घोषणा हो जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी और बाकी दलों की ओर से लगातार अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा रही है। इसी बीच कांग्रेस ने अपने 23 प्रत्याशियों के नामों वाली छठी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस जो लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी की गई है, उस लिस्ट में कई नए चेहरों को यहां पर सामने लाया गया है, कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। और सबसे गौर करने वाली बात जो है वो ये कि हवा महल से यहां महेश जोशी की टिकट काट दी गई है, जो यहाँ सबसे गौर करने वाली बात है। महेश जोशी का टिकट कटने के बाद से लगातार महेश जोशी के समर्थकों में आक्रोश है। उनके टिकट काटे जाने के बाद कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी लगातार हो रही है। महेश जोशी के समर्थक महेश जोशी के समर्थन में यहाँ नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं और पूरे सभी समर्थक अपने नाराजगी दिखाते हुए भी दिखाई दिए हैं। हवा महल से उनकी जगह आर तिवारी को मैदान में उतारा गया है, जो भाजपा के बाल मुकुंदाचार्य के सामने मैदान में उतरे हैं। वहीं विद्याधर नगर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो भाजपा की दिया कुमारी के सामने यहां सीताराम अग्रवाल को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। बता दें कि कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 33 प्रत्याशियों के नाम जारी किए थे, उसके बाद दूसरी लिस्ट में 43 प्रत्याशियों के नाम सामने आए थे, तीसरी लिस्ट जब जारी हुई उसमें 19 उम्मीदवारों के नाम थे, चौथी लिस्ट में 56 और पांचवी लिस्ट में 5 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की गई थी। अब तक राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने 179 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब 23 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। किसे कहां से टिकट मिला है एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। संगरिया से अभिमन्यु पूनिया, बादरा से अजीत बेनीवाल, डूंगरगढ़ से मंगलाराम गोदारा, पिलानी से प्रीतम काला, दांतारामगढ़ से वीरेंद्र सिंह, शाहपुरा से मनीष यादव, चोमू से डॉक्टर शिखा मील बराला, आमेर से प्रशांत शर्मा, जमवारामगढ़ से गोपाल लाल मीणा, हवा महल से आर तिवारी को टिकट दिया गया है, विद्याधर नगर से सीताराम अग्रवाल को मैदान में उतारा गया है, भरतपुर से RLD उम्मीदवार को सामने लाया गया है और मालपुरा से घासीलाल चौधरी, मेरता से शिवरतन वाल्मीकि, फलौदी से प्रकाश छंगानी, लोहावट से कृष्णा राम बिश्नोई, शेरगढ़ से मीना कंवर, सूरसागर से शहजाद खान, आहोर से सरोज चौधरी, चौरासी से ताराचंद भगोरा और भीलवाड़ा से ओम नारायणीवाल और लाडपुरा से नईमुद्दीन गुड्डू को यहाँ मौका दिया गया है। अब 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं, 200 सीटों पर ये मतदान होंगे, वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी और राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 30 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कांग्रेस ने इसी बीच अपने 23 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है और ये छठी लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी की गई है, जिसमें सीधे तौर पर गौर करने वाली बात यही है कि हवा महल से महेश जोशी का टिकट यहाँ काट दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।